गई है। सासुमा, सासुमा, भाभी कोई है? जिनका बेटा जंजीरा किले के युद्ध में मारा गया, उन्होंने बदला लिया है, वो हमारे कक्ष को जला दिया। बाजी, सासुमा, आप शांत हो जाइए। तुम मेरी नजरों से दूर हो जा, पूरे पुणे को मेरी चिमा के खिलाफ भड़काया है तुमने। बचाओ चिमा को बाजी। बाजी, चिमा जी, चिमा, चिमा। अब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ तो नहीं? लगी तो नहीं? मुझे लगी नहीं और मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बस कैसे वाड़े में आकर आग लगा ली? नहीं 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 राव, नहीं, छोड़िए उन्हें, उनकी सुनवाई सभा में होगी। सूर्य जी, छोड़ दीजिए। तुमने पेशवा के वाड़े में हमला किया है और ये अपराध दंडनीय है। पूरी सभा से आग्रह करती हूँ कि इस अपराध को नजरअंदाज ना किया जाए, इसे मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड? मृत्युदंड क्यों? मेरी गलती क्या है? मैंने तो वही किया जो इन्होंने करने को कहा। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? भाभी काशी, क्या ये सच कह रहा है? सही कह रही है। पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे कमरे में आग क्यों लगाई? भाभी, भरी सभा के सामने तुमने अपना गुनाह कबूल किया है। काशी, धोखा दिया है हमें। धोखा तो हम सबको चीमा जी ने दिया है सासुमा। हम तो बस इनके इस धोखे को उजागर कर रहे थे। बचपन से हम चीमा जी को देखते आ रहे हैं, जानते हैं कि ये बीमार है, कमजोर है, और जब युद्ध में आपका मुखिया ही कमजोर हो तो हार निश्चित है। सब जानते हैं कि चीमा जी पूरी तरह स्वस्थ नहीं, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं हमें तो वो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम काशी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सासू माँ, आप भी तो थी वहां जब चीमा जी अपनी जान देने के लिए पानी में कूद पड़े। चीमा जी ने कितनी देर तक अपनी सांस रोक कर रखी, उनका दम भी नहीं घुटा। क्यों, वो कैसे बच गए? हाँ, बच गया वो, पाजी ने बचाया उससे। क्या इसलिए उसके कक्ष में तुमने आग लगवाई? बोलो। सबने ये देखा कि आग जलाई गई, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि इतनी आग के धुएं में भी चीमा जी टिके रहे? ये हट्टा कट्टा आदमी, चीमा जी इनसे लड़ते भी रहे, जीत भी गए और सही सलामत बाहर भी आ गए। अगर ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह स्वस्थ नहीं, तो ये सारी चीजें कैसे मुमकिन है?
कि हमारे अलावा ये बात और किसी को नहीं खटक रही। हम तो यही कहेंगे कि चीमा जी हम सबको धोखा दे रहे हैं। काशी, इस भरी सभा में तुम और ये आरोपी दोनों ऐसे हो कि जिन्होंने मेरे बेटे के कक्ष में आग लगवाई और धोखेबाज होने का लांछन मेरे बेटे पर लगा रही हो तुम। भाभी, जब मैं सिद्धियों से हार कर लौटा तो लोगों ने मेरे मुंह पर गोबर फेंक दिया। उस वक्त भी मैंने इतना अपमानित महसूस नहीं किया जितना कि अब कर रहा हूं। तो बताइए ना चीमा जी, क्या जवाब है आपके पास इन सब बातों का? कैसे बच गए आप पानी से? कैसे बच गए आप आग के धुएं से? इनके भाग्यवश और संयोगवश से वो बच गए, और क्या। हमने भी यही सोचा रखमा भाई कि संयोग होगा, लेकिन फिर हमने दोबारा फरका और जो एक बार से ज्यादा हो ना तो वो भाग्यवश संयोग नहीं होता है। अब जब हम सब कुछ समझ चुके हैं कि चीमा जी शरीर से एकदम स्वस्थ है और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, तो उनका मोर्चे पर ना जाने का कोई भी बहाना माना नहीं जाएगा। ना उनकी पत्नी उनकी बीमारी की दुहाई देगी और ना ही सासू माँ अपनी ममता का वास्ता देगी। 2 दिन बाद चीमा जी चढ़ाई के लिए निकल जाएंगे। उन्हें यहाँ के सबसे आक्रामक योद्धा सौंपे जाएंगे। अब की बार या तो चीमा जी सिद्धियों को खदेड़ कर लौटेंगे या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। और यह हमारा अंतिम निर्णय है। काशी, तुम अपने पद का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं ये होने नहीं दूंगी। आप इतने कठोर कैसे बन सकती हो भाभी? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? ये तुमने क्या किया काशी? शिवाजी के कमरे में आग लगा दी और मुझे बताया भी नहीं, क्यों? रावा, पहले ये केसर वाला दूध पीजिए, हमने आपके लिए बनवाया है, इससे रात में नींद अच्छी आती है। बात मत बदलो काशी। राव, अगर हम आपको बताते तो करने देते आप हमें? बिल्कुल नहीं। बस इसलिए नहीं बताया। अरे पर उसके कमरे में राहु, आप चीमा जी को बेटे की तरह चाहते हैं। हम समझते हैं कि इतना मुश्किल कदम आप नहीं उठा पाते। आग लगने के बाद आपने जो स्वाभाविक तरीके से किया वो नहीं हो पाता। आप खुद याद कीजिए, अपनी भाई की जान बचाने के लिए आप किस तरह आग में कूद गए थे। काशी, ये जो कुछ भी तुम कह रही हो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस सब का चीमा जी के कमरे में आग लगाने से क्या मतलब है? कैसे समझाए आपको? देखिए, आग जलाती भी है और खाना पकाने के लिए भी काम आती है। जो आग खाना पकाने के लिए काम आती है वो चारों तरफ से चूल्हे में बंद होती है। जो आग चीमा जी के कमरे में लगाई गई थी वो बिल्कुल यही आग थी, खाना पकाने वाली, एकदम सुरक्षित। हमने चारों और लोगों को तैनात कर दिया था राव। लोग पानी के साथ, रेत के साथ बिल्कुल तैयार थे। राव, हमने वैद्य जी को भी भेजा था। अगर चीमा जी को जरा भी खतरा होता तो वो तुरंत उन्हें बचा लेते। राव, चीमा जी की अग्नि परीक्षा हमारे लिए भी आसान नहीं थी। हाँ, हम चीमा जी की भाभी है, लेकिन हम भी उन्हें बेटे की तरह ही मानते हैं। और कभी कभी एक माँ को अपने बच्चे के लिए अपना मन कड़ा करना पड़ता है। हमने वही किया
और नतीजा आपके सामने है। चीमा जी में अब लड़ने की इच्छा शक्ति भी है और शारीरिक शक्ति भी है, यही तो हम चाहते थे। काशी, जो कुछ भी तुम कर रही हो वाकई उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। और जब चीमा जी युद्ध जीत कर आएगा तब उसके जयकारों के साथ साथ तुम्हारे भी नारे सुनाई देंगे। हम जानते हैं राव, चीमा जी की कामयाबी का इंतजार सबसे ज्यादा आपको ही है। वाकई बहुत अच्छा है, अब तो मुझे मीठी मीठी नींद आने ही वाली है। कोई जरूरत नहीं है उसके इशारे पर नाचने की, मैं खुद छत्रपति शाहू महाराज से बात करूंगी। वो होती कौन है तुम्हें युद्ध पर भेजने वाली? भाऊ कुछ तो कीजिए, बहुत डर लग रहा है मुझे। चीमा, तुम परेशान तो नहीं हो ना? चलो, प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। भाऊ, भाभी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कैसे? ये सच है कि मैं बीमार हूं, मेरी सांसें उखड़ती हैं। पर ये भी सच है कि इतने धुएं और इतने पानी में मुझे कुछ नहीं हुआ। आखिर कैसे? मैं साफ साफ कह देती हूँ बाजी, चीमा जी युद्ध पर नहीं जाएगा। पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटे को संभाला है बाजी, ये होती कौन है मेरे बेटे के लिए फैसला करने वाली? आई, लेकिन ये पेशवन भाई का आदेश है। वो पेशवन भाई है तो तुम भी तो कुछ हो ना बाजी, हो कि नहीं हो? तो छत्रपति शाहू महाराज से बात करो, पर अगर तुम बात नहीं कर सकते हो तो मुझे लेकर जाओ, मैं बात करती हूँ। आई, पुणे के लोग चीमा को गुनहगार मानते हैं, और छत्रपति शाहू महाराज भी कुछ सोच समझ कर ही फैसला लेंगे ना। वैसे मेरे पास एक तरकीब है, चीमा को यहां से भगा देते हैं। अपने ही घर से भाग जाऊं मैं? लोग मुझे आज कायर कहते हैं, कल को मुझे लोग भगोड़ा कहेंगे। नहीं, मैं भगोड़ा नहीं हूं। देखो चीमा जी, समझने की कोशिश करो, युद्ध पर जाकर मरने से तो अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए यहां से दूर चले जाओ। हाँ, मैं तो पहले सही कह रही थी, मान लीजिए ना। बाजी सही कह रहा है चीमा, मान जाओ। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं चीमा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा, और जरूरत पड़े तो वापस भी लेकर आऊंगा। चीमा, तुम तैयार रहना, मध्यरात्रि में हम निकल पड़ेंगे, ठीक है?
गुप्तचर जी, आपकी जासूसी खत्म नहीं हुई? पेशवन भाई, ये आपके सेवक से कोई गुस्ताखी हुई है? हिंदू साम्राज्य का शेर हमारे लिए गुप्तचरी कर रहा है। थोड़ा कर्तव्य हमारा भी तो बनता है ना। शेर नहीं चीता, बाजीराव की रफ्तार से ही बाजीराव पहचाना जाता है। तो गुप्तचर जी, क्या समाचार लाए हमारे लिए? आपकी आज्ञा का पालन हुआ है, शिवाजी को भगाने की तैयारी की जा रही है। क्या चिमाजी भागने के लिए राजी हो गए? हमें चिमाजी से इसकी उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था युद्ध पर जाएंगे वो। चिमाजी परेशान है, इतनी बड़ी हार और इतने बड़े अपमान के बाद उसका जो कुछ भी बचा कुछ आत्मविश्वास था वो भी चला गया है काशी। पर मैंने देखा उसे, वो भागना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं उसके दिल में तुमने एक साहस को जन्म दिया है, ऐसा साहस जो चिंगारी को आग में तब्दील कर देगा। चिमाजी यकीनन युद्ध में जाना चाहता है। चला, भगवान करे कि आपकी बात सही हो, भगवान करे उन्हें साहस के साथ साथ सफलता भी मिले, क्योंकि असफलता वो संभाल नहीं पाएंगे। राव, नियत सही है तुम्हारी तो कुछ गलत नहीं होगा काशी। आपके लिए फिर से संदेश आया है। पेशवा सरकार, मुझे तो बता दीजिए, क्या ये किसका संदेश है जो रात को ही आता है? सूर्या जी, मैं तुमसे बस इतना कह सकता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस बात को अपने तक ही रखना, ये संदेश किसी के भी हाथ ना लगे, नहीं तो उसके बाद जो होगा उसे रोकना किसी के भी बस में नहीं होगा।
ये किसके संदेश ऐसे रातों को आते हैं? क्या छिपा रहे राहु हमसे?